good morning students how are you all i hope all of you are doing good at home so let's start today's worksheet today is saturday and the date is 30th january 2021 this is your english worksheet from the unit 7 the name of the chapter is the giving tree this is worksheet number 157 so before we start the worksheet let's talk about today's date टुडे इज थर्टियथ जनवरी एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे ऑफ महात्मा गांधी डू यू नो द थर्टियथ डे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टर्स डे टू पे एज टू महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन क्या आपको पता है कि हर साल तीस जनवरी का दिन गांधी जी के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है जी हाँ गांधी जी जिन्हें हम अपना राष्ट्रपिता भी कहते हैं दिस डे ही डाइड इन नाइनटीन फोर्टी एट आज सन उन्नीस सौ में तीस जनवरी के ही दिन इन्हें गोली मारी गई थी और तभी से तीस जनवरी के दिन को हम गांधी जी के शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं ही इज रिमेंबर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्राम द ब्रिटिश रूल हम गांधी जी को अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए इज्जत और प्यार के साथ हमेशा याद रखेंगे ऑन दिस डे वी रीविजिट हिज मौसल ऐट राजाट दिल्ली टू ऑफर प्रेयर्स एंड फ्लावर्स एज ट्रीब्यूट टू हिम आज के दिन बहुत सारे लोग गांधी जी की समाधि पर जाते हैं राजघाट पर और वहाँ पर उनकी समाधि पर प्रार्थना करते हैं और फूल अर्पण करते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी का जन्म हुआ था सेकेंड अक्टूबर 1869 में और उनकी डेथ हुई थी जनवरी 30, 1948 में गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान भारत में बहुत सारे अलग अलग आंदोलन किए और आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत बनाने में अपना गहरा अपना बहुत बड़ा योगदान दिया सो नाउ लेट्स मूव बैक टू आर वर्कशीट गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन लेट स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल डे विदोरी हम शुरू करते हैं आज का दिन एक अच्छी सी कहानी के साथ ट्री फ्रेंड एवरी डे एक छोटा बच्चा रोजाना अपने दोस्त के पास जाता था और उसका दोस्त था एक पेड़ ही वुड क्लिम ऑन द ट्री स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड ऑल्सो स्लीप अंडर इट्स वो उसके पेड़ उस पेड़ पर चढ़ता था उस पेड़ पर झू उसकी शाखाओं पर झूलता था और साथ ही साथ उसकी छाया में बैठ छाया में सोता भी था एज द लिटिल बॉय ग्रीव अप ही विजिटेड द ट्री रेयरली जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ उसका पेड़ के पास जाना बहुत कम हो गया अब वो कभी कभार ही पेड़ के पास जाता था एज अ यंग बॉय वेन ही वॉन्टेड मनी द ट्री ऑफर्ड हिम इट्स एप्पल टू सेल जब वो लड़का जवान हुआ तो वह उसे पैसों की ज़रूरत थी उस समय ट्री ने पेड़ ने अपने एप्पल जो हैं उसको दिए ताकि वो उन्हें सेल कर सके यानी कि बेच सके फ्यू ईयर्स लेटर द यंग मैन क्लेम केम बैक टू द ट्री अगेन कुछ सालों बाद पेड़ के पास वो लड़का वापस आया ही वॉज गेटिंग मैरिड एंड वॉन्टेड टू बिल्ड अ हाउस अब उस लड़के की शादी होने वाली थी और वो अपने और अपनी बीवी के लिए एक घर बनाना चाहता था हिज फ्रेंड द ट्री ऑफर्ड हिम इट्स ब्रांचेस टू बिल्ड वन तो पेड़ ने अपनी शाखाएं उसको दी ताकि वो अपना घर बना सके द यंग मैन डिड नॉट केम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो पेड़ वापस नहीं आया द ट्री ग्रू सैड वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड पेड़ बहुत उदास हो गया क्योंकि वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था लेकिन उसका दोस्त तो बहुत समय से आ ही नहीं रहा था आफ्टर मैनी ईयर्स द यंग मैन वॉन्टेड टू टू बिल्ड अ बोट टू सेल कुछ सालों बाद उस वो लड़का वापस आया अब वो चाहता था एक नाव बनाना ताकि वो जा सके दूसरी जगह पर द ट्री ग्लैडली ऑफर्ड इट्स ट्रंक टू बिल्ड द बोट और पेड़ ने क्या किया पेड़ ने अपना पूरा का पूरा तना उसको प्यार से दे दिया कि वो अपनी बोट बना सके द ट्री वॉज नाउ मेयर लियस्टम अब पेड़ के नाम पर वो सिर्फ एक ठूंठ बचा हुआ था द ट्री वेटेड पेशेंटली फॉर इट्स फ्रेंड और अभी भी वो बहुत सब्र के साथ अपने दोस्त का ही इंतजार कर रहा था वन डे यंग बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन केम टू मीट हिम और एक दिन वो लड़का जो कि अब एक बूढ़ा आदमी हो चुका था वापस उस पेड़ के पास आया उस पेड़ से मिलने के लिए द ओल्ड मैन रियलाइज हाउ मच द ट्री हैड गिवन हिम अब उस बूढ़े आदमी को ये बात रियलाइज हुई कि उसके प्यारे पेड़ दोस्त ने कितना कुछ उसको दिया था अपनी पूरे जीवन काल में ही डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फ्रेंड एंड सैट ऑन इट्स स्टम तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त के साथ ही अपना समय बिताएगा और वो उसके ठूंठ पर ही बैठ गया बोथ द फ्रेंड्स वर हैप्पी और फाइनली दोनों दोस्त बहुत खुश हुए एक दूसरे का साथ पाकर सो दिस इज अ स्टोरी और इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे एक पेड़ ने अपने दोस्त को बहुत बार बहुत सारी चीज़ें दी बिना किसी भावना के कि उसे बदले में कुछ मिलेगा सो so, ये थी पेड़ की महानता कि पेड़ हमेशा ही हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते सो लेट्स नाउ कम टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन चिल्ड्रन रीड अलाउड दिस इंटरेस्टिंग प्ले द गिविंग ट्री फ्रॉम योर नोट टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो आपको करना ये है कि अपनी मैरी गोल्ड की बुक में से द गिविंग ट्री वाली स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है उसके बाद नीचे दिए गए सेंटेंसेस जो कि इनकम्प्लीट हैं इन्हें आपको पूरा करना है वन डे बॉय केम टू द ट्री एंड डैश एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया और डैश आगे की सेंटेंस आपको जब आप स्टोरी पढ़ लेंगे दोबारा से बुक में से तो उसे कम्प्लीट करना है नेक्स्ट द बॉय हैप्पिली प्लग द एप्पल एंड डैश लड़के ने खुशी खुशी आप सारे एप्पल तोड़ लिए और डैश राइट उसके बाद द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड डैश उस आदमी ने ट्री की ट्रंक यानी कि तने को काट दिया और डैश ये आपको स्पेशली बुक में से ही करने हैं क्योंकि कंप्लीट सेंटेंसेज आपको वहाँ मिलेंगे सो so, ज़रूर आपको बुक की स्टोरी को रीड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन हेयर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू इमेजिन यू आर अ ट्री आपके लिए एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आप एक ट्री हैं कैन यू मेक द शेप ऑफ द ट्री यूजिंग योर बॉडी क्या अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को एक पेड़ जैसा दिखाने के लिए तो चलिए यूज योर हैंड्स फिंगर्स एंड लेग्स स्ट्रेच बैंड टर्न अराउंड वेव हैंड्स एक्सेट्रा सो so, आप क्या कर सकते हैं अपने आप को पेड़ बनाने के लिए आप अपने हाथों को फैला सकते हैं अपनी फिंगर्स को खोल सकते हैं अपनी लेग्स को खोल सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं आप टर्न कर सकते हैं या फिर आप बेंड हो सकते हैं मतलब झुक सकते हैं मुड़ सकते हैं जैसे मर्जी आपको एक ट्री की शेप लेनी है राइट नाउ अनैक्ट एज इफ यू आर अब आपको क्या करना है यहाँ पर चार अलग अलग सिचुएशन दे रखी हैं आपको इनमें जैसे ट्री बनेगा अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके वो बनाना है नंबर वन ट्री फुल ऑफ फ्रूट लीव एक ऐसा पेड़ बन के दिखाइए जिसमें बहुत सारे फल हो बहुत सारी पत्तियां हो. Number two, let's see your branches. अब हमें आपकी ब्रांचेस देखने so, spread your hands sideways. तो अपने हाथों को फैलाइए ताकि हमें आपकी ब्रांचेस यानी कि शाखाए दिखाई दें नंबर थ्री अ ट्री हूज लीव आर स्वेइंग इन देंड एक ऐसा पेड़ बनिए जिसकी जो जिसकी जो पत्तियां हैं वो हवा में बह रही हूँ हवा हवा जिसकी जिसे काट दिया गया है सिर्फ स्टैम्प यानी के ठूंट बचा हुआ है उसका बाकी पूरा पेड़ वो काटा जा चुका है आपको ऐसा पेड़ बनना है सो दिस इज योर एक्सरसाइज दिस विल हेल्प यू टू रियलाइज हाउ द ट्री कैन फील एंड सिमिलरली आपको ट्री के बहुत सारे पार्ट्स का नाम भी यहाँ पर पता चलेगा सो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज गिवन ऑन द पेज नंबर 97 ऑफ योर इंग्लिश वर्कबुक आप इसी एक्सरसाइज को और बेटर कर सकते हैं इंग्लिश की वर्कबुक के पेज नंबर 97 से सो so, ये है आपकी आज की वर्कशीट इसे बहुत अच्छे से कीजिए हम मिलेंगे मंडे को तब तक के लिए बाय बाय